ओके ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 4। अगेन इसमें यही वाला ट्रिक होगा, स्टैक वाला ही, ठीक है, और बैलेंसिंग करने वाला। तो आई वांट यू गाइस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर योरसेल्फ, सो प्लीज रीड दिस क्लियरली एंड देन आई विल आस्क यू। क्लियर है? एनी डाउट्स? क्वेश्चन क्लियर है सबको? ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो बेसिकली फॉर एग्जांपल पहला वाला ही एग्जांपल उसमें दे रखा है उसको, इट हैज ये वाला क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल इसको अगर बैलेंस करना हो तो अपने को इसको भी रिवर्स करना पड़ेगा इस डायरेक्शन में और इसको भी रिवर्स करना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ रिवर्सल नीडेड इज 2, सो 2 इज द आंसर। सिमिलरली अगर आपका ये वाला क्वेश्चन है, अब इसको अगर मुझे रिवर्स करना होगा, राइट, सो इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, राइट, क्योंकि इसके रिवर्सल से, क्योंकि 3 है, ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है, तो एक तो सबसे पहले अगर ऑड है तो उसे मुझे पता चल गया कि वो रिवर्स नहीं हो सकता, राइट, बिकॉज इसको मैं मान लो रिवर्स कर भी दूंगा, इसको किसी भी डायरेक्शन में रखूंगा तो नहीं हो पाएगा, तो नॉट पॉसिबल, राइट। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, चौथा ये वाला। इन दिस व्हाट वी कैन डू इज दैट इसको इधर कर दो और इसको इधर कर दो, तो दिस विल बिकम दिस, दिस बिकम्स बैलेंस्ड। सो व्हाट शुड बी अ जेनेरिक अप्रोच टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो कितने हैं? 3, 3, 6 हैं, तो बैलेंस तो होगा ये किसी ना किसी तरीके से, ये ऑलरेडी बैलेंस है, ये ऑलरेडी बैलेंस है, तो अगर मैं इसको इधर मूव कर दूं तो ये पूरा का पूरा बैलेंस हो गया, तो एक मूव चाहिए और सरफेस पे, राइट। सो नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सी द हिंट इज दैट यू हैव टू यूज स्टैक हियर, ओके, बिकॉज दिस इज अ ब्रैकेट बैलेंसिंग प्रॉब्लम, सो वी हैव टू यूज स्टैक हियर, एंड वी हैव टू यूज टिपिकली द पुश एंड पॉप ऑपरेशन ओनली, व्हाटएवर दैट वी हैव बीन डूइंग। On the top of it, we have to use a little brain here, right? And this problem will be solved. Just try to think. Just try. Don't stop yourself that, okay, ab nahi hoga. Always try to keep trying. So you start and I'll give you enough hint, but I want you guys to start thinking that how do you approach? Because last question, like, I know how you tried for it. So it was really, I really appreciate that, because at least you try to thought through, right? And then when I would have, you know, even if you're not able to solve it, that is all fine. Because then if I explain you the solution, you'll get it more clearly. So please try to think through how do we go with this particular problem. सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले देखो कि जो आपका जो गिवन है उसमें जितने भी बैलेंस्ड ब्रैकेट्स हैं, जितने भी बैलेंस्ड ब्रैकेट्स हैं उनको तो सबसे पहले हटा दो उनमें से, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ये कॉम्प्लिकेटेड वाला ही लेते हैं, ठीक है, लास्ट वाला, दिस, उसके बाद दो क्लोजिंग ब्रैकेट, तो मतलब भाई बैलेंस हो ही नहीं सकता, इवन नंबर ऑफ ब्रैकेट्स, सो हियर द नंबर इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सो 8 नंबर इज देयर, सो एटलीस्ट वी कैन बैलेंस इट फॉर श्योर, दिस इज वन थिंग इज गारंटेड, ओके, सो दिस इज द फर्स्ट अप्रोच दैट यू डू। Second step that you should do is that remove the part which is already balanced. So, इस वाले solution में ये वाला part balanced है, ये वाला part balanced है, right? So, अपना ये वाला पूरा का पूरा जो portion है वो already balanced है, right? I don't have to do anything, so I just remove it. So, if I remove this, I'm only left with this, this. This, this, and this. Now, how can I remove this? How can I remove this? How can I programmatically remove the balance part? Can you tell me how can we do that? We can do it using a stack, right? So normally, आप क्या करो, एक-एक करके इसमें push करते जाओ, ठीक है? तो आपने पहले ये push किया, फिर आपने ये push किया, फिर आपने ये push किया, फिर ये जैसे ही आया opening वाला, आपने इसको delete कर दिया, फिर से एक और आया, आपने इसको भी delete कर दिया, ठीक है? उसके बाद फिर से opening आया, ओपनिंग है, फिर से ओपनिंग है, तो जो भी आपका एलिमेंट बच गया इन द स्टैक आफ्टर पॉपिंग ऑपरेशन इज द रिमेनिंग अनबैलेंस्ड वन, सो दिस इज व्हाट यू आर लेफ्ट इन द स्टैक, राइट, ओके, यू कैन गेट द स्टेट व्हाई यूजिंग अ स्टैक, डज इट मेक सेंस? यस। अब बेसिकली वी आर लेफ्ट विद दिस सॉल्यूशन, यहाँ पे कि सब कुछ अनबैलेंस्ड है, यहाँ पे अनबैलेंस्ड है, और इसको हमको अगर ये अगर अपन बैलेंस कर देंगे तो बाकी सारा चीज भी बैलेंस अपना हो जाएगा, है ना। अब इसको कैसे बैलेंस करेंगे, दिस इज द की। नाउ यहाँ पे फिर से सोचो थोड़ा सा, कैसे करेंगे,
what you need to do is that find the count of closing bracket जो कि equals to वहाँ पे यहाँ पर 3 है और opening bracket का भी count निकालो equals to 1 है, ठीक है। अब जितने भी number of closing brackets हैं और जितने भी number of opening brackets हैं, इसके लिए somehow what we have to do, somehow we have to make the number of closing brackets is equal to number of opening brackets, right? This is what we need to do. What we have to do, we have to make the number of closing brackets equal to number of opening brackets, right? So जो भी तुम्हारा ज्यादा है इसमें से, ठीक है, उतने कम वाले को रिवर्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तुम्हारा ओपनिंग ब्रैकेट 1 है और क्लोजिंग ब्रैकेट 3 है, तो अगर ओपनिंग ब्रैकेट तुम्हारा 3 है और क्लोजिंग ब्रैकेट 1 है, तो बेसिकली तुमको ओपनिंग वाले को तुमको कुछ में क्लोजिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा और क्लोजिंग वाले को कुछ ओपनिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैथमेटिकली इफ यू वांट टू डू इट, यू कैन बेसिकली डू इट लाइक दिस। सो जितने भी ओपन है उसको आप 2 से डिवाइड करो और उसका ऊपर वाला सीलिंग ले लो। और सीलिंग मतलब कि अगर मान लो कि 1 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो 0.5 आता है, 0.5 का जो सीलिंग होगा वो होगा 1। सिमिलरली 3 जो है उसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा और उसका सीलिंग लेंगे, 3 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 1.5 आएगा, 1.5 का जो सीलिंग होगा वो 2 होगा, ठीक है। तो जितने भी ओपन ब्रैकेट को 2 से डिवाइड करो उसका अपर सीलिंग ले लो, जितने भी क्लोज ब्रैकेट है उसको 2 से डिवाइड करो अपर सीलिंग ले लो, तो टोटल वैल्यू तो आएगी वही कल आएगी 3। अब लेट्स सी कि 3 में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली ये आपका इस तरफ है तो आपको इसको इस तरफ मूव करना ही पड़ेगा, ठीक है। एक चेंज ये हो गया, दूसरा चेंज ये हो गया, और उसके बाद आपका ये दोनों भी इस तरफ है तो आपको इसको इधर कन्वर्ट करना पड़ेगा, इधर कन्वर्ट। एज सून एज यू डू इट इन द 3 रूल्स दिस गेट्स बैलेंस। दिस इज मैथमेटिकली, लॉजिकली अगर आपको सोचना है तो यू कैन थिंक लाइक दिस। सबसे पहले अगर नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट इज मोर देन द नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट्स, तो एक तो बात है कि आपको क्लोजिंग ब्रैकेट्स को कुछ कम करके ओपन ब्रैकेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक चेंज तो आपको क्लोजिंग ब्रैकेट को इसको ओपन ब्रैकेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो एक तो हो गया, ठीक है, एक क्लोजिंग ब्रैकेट 2 हो गया एंड ओपन ब्रैकेट भी मेरा 2 हो चुका है, ठीक है। तो आप एक तो ये जो क्लोजिंग ओपनिंग ब्रैकेट, सॉरी क्लोजिंग ब्रैकेट 1 था ना और ओपनिंग ब्रैकेट 3 था, तो आपको क्लोजिंग ब्रैकेट को एक चेंज करके ओपनिंग ब्रैकेट में बनाना है। तो इसको आपने मान लीजिए ऐसे कर दिया, ठीक है, अब आपका ओपनिंग ब्रैकेट आ गया, क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया, तो आप इसको फिर आपको लॉजिकली यू विल हैव टू थिंक कि किसको चेंज करना है, राइट? आर यू गेटिंग मी, आर यू फॉलोइंग मी? ये वाला क्लियर है? पहले ये वाला मैथमेटिकली बताओ ये क्लियर है, व्हाट वी नीड टू डू एंड व्हाई डू वी नीड टू डू। आई एम अगेन रिपीटिंग द लास्ट लाइन। अगर मान लो बाद लास्ट में मेरे पास 6 एलिमेंट्स बचे हैं, ठीक है, 6 एलिमेंट्स बचे हैं, उसमें से कुछ जो है मेरे वो ओपनिंग ब्रैकेट्स हैं और कुछ जो है मेरे वो क्लोज ब्रैकेट। जितने भी मेरे ओपनिंग ब्रैकेट्स हैं उसमें से मैं अगर आधे को रिवर्स कर दूं तो आधा ओपनिंग और आधा क्लोजिंग, तो वो पूरा का पूरा बैलेंस आउट हो जाएगा। सिमिलरली जितने भी मेरे क्लोज हैं उसके आधे को मैं रिवर्स कर दूं तो फिर वो वाला भी पूरा का पूरा बैलेंस आउट हो जाएगा। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग फाइनली जो भी मेरे पास अनबैलेंस स्टेट बचा है उसका मैं काउंट निकालूंगा, कितने मेरे ओपनिंग है और कितने मेरे क्लोजिंग है, और उनका हाफ वैल्यू निकालूंगा, सेलिंग वैल्यू निकालूंगा, और दैट शुड गिव मी द नंबर ऑफ रिवर्सल दैट इज नीडेड टू बैलेंस अकाउंट। इज दैट मेकिंग सेंस गाइस? क्लियर है? परफेक्ट, कूल।